हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग सब। एक बार फिर से स्वागत है मेरे गिरदा क्रिकेट ब्लॉग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आईपीएल का जो मैच खेला जाएगा, वो मैच खेला जाएगा चेन्नई वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। ये मैच खेला जाएगा चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे रहेगी कि चेपॉक स्टेडियम की किस प्रकार से पिच है, क्या यहाँ पे बॉलरों के लिए मदद मिलती है, क्या या बैट्समैनों के लिए मदद मिलती है, क्या यहाँ पे और सेकेंड इनिंग में ड्यू का इफेक्ट होता है कि या पहले कौन टॉस जीता के क्या उसको बल्लेबाजी करना चाहिए या गेंदबाजी करना चाहिए। तो दोस्तों हमारे इस पे रहेगा। दोस्तों इससे पहले अब तक यहाँ पे कितना मुकाबला खेला गया है, उसमें से जो चेन्नई वालों ने कितना अच्छा प्रदर्शन कर रखा और गुजरात वालों ने कितना अच्छा प्रदर्शन कर किया है, तो इसमें हम दोस्तों आपको बता देंगे कि क्या यहाँ पे चेन्नई वालों का पलड़ा भारी है कि या गुजरात वालों का पलड़ा भारी है। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं, पहले हम यहाँ पे बात करेंगे जो ये मैच खेला जाएगा CSK वर्सेस GT के बीच, गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। तो दोस्तों आपने इसे पहले देखा होगा, जो पहले उद्घाटन मैच खेला गया था वो उद्घाटन मैच खेला गया था चेन्नई वर्सेज RCB के बीच में, क्योंकि यहाँ पे क्या है RCB वालों CSK ने क्या किया था, RCB वालों को यहाँ पे आसानी से 6 विकेट से मैच हरा दिया था। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे, पहले बात करेंगे हम यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे क्या है स्पिनरों के लिए थोड़ा हल्के फुल्के मदद है। अगर इसके बाद जो अगर सेकंड इनिंग खेला गया, अगर ड्यू आएगा तो इसमें क्या यहाँ पे स्पिनर का क्या भी क्या होता है, बेहद हालत ख़राब होता है, क्योंकि उसके बाद स्पिनर पे क्या है यहाँ पे लंबे लंबे छक्के लगते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभी तक जितने भी हमने अभी तक जो भी आंकड़ा निकाले हैं उसमें अभी तक है यहाँ पे 27 मैच खेले गए यहाँ पे, जिसमें क्या क्या पेसर वालों ने 178 विकेट लिए थे और स्पिनर वालों ने यहाँ पे क्या किया थे, 148 विकेट लिए थे। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में जो पेसरों ने अभी तक टोटल विकेट लिए थे यहाँ पे 83 विकेट, जो फर्स्ट पेसरों वालों ने फर्स्ट इनिंग में जो यहाँ पे क्या लिखे 83 विकेट, और सेकंड में एक क्या करके इन्होंने यहाँ पे 75 विकेट ले चुके हैं, 75 विकेट। और यहाँ पे जो स्पिनर वालों ने इन्होंने फर्स्ट इनिंग में क्या है 88 विकेट, और सेकंड इनिंग में क्या है यहाँ पे इन्होंने 60 विकेट लिए है। तो दोस्तों यहाँ पे हम अभी तक जो चेपॉक स्टेडियम में अभी तक जो इससे पहले मुकाबला खेला गया या उससे पहले जो आईपीएल का जो मुकाबला खेला गया उसमें से टोटल आपको यहाँ पे आंकड़ा बताते हैं किस प्रकार से कि यहाँ पे पिच रंग लाती है क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी तक जो मुकाबला खेला गया था जो सबसे पहले जो जिन्होंने टॉस जीता था वो क्या किया था, 173 रन बनाए थे, जो RCB और CSK बीच खेला गया था, जिसमें RCB ने 173 पे 6 विकेट पे 173 रन बनाए थे, जिसमें क्या किया था CSK वालों ने क्या किया था यहाँ पे 176 रन बनाए थे और 4 विकेट के नुकसान में। अगली बात करते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि जो पिच है ना यहाँ पे 4 कैटेगरी में डिवाइड है, तो उन्होंने पहले ऑफिस में खेला गया था जो उसके बाद ये मैच खेला गया। यहाँ पे क्या है चेजिंग करने वाले भी 4 मुकाबले जीते हैं और पहले बैटिंग करने वाले भी 4 मुकाबले जीते। तो उसके बाद यहाँ पे जो मैच खेला गया था वो खेला गया था गुजरात टाइटंस वर्सेज CSK भी, जो फाइनल का मैच खेला गया था उसमें गुजरात टाइटंस वालों ने क्या किया था 172 रन बनाए थे। दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा मैच खेला गया था वो तो इसके बाद उन्होंने क्या किया था, पहले स्कोर बनाए थे 172 पे, उन्होंने क्या किया था 172 पे 7 विकेट पे, और फिर क्या किया यहाँ पे चेस नहीं कर पाए, तो चेस करने वाले 157 रन पे 10 विकेट हो गए थे उनके, 157 पे 10 विकेट हो गए। फिर उसके बाद जो यहाँ पे जो मैच खेला गया था उसके अनुकूल बताते हम यहाँ पे, तो उसके बाद क्या किए गए थे, पहले बैटिंग करने वालों ने क्या किया था, पहले बैटिंग करने वालों ने 144 रन बनाए थे और 7 विकेट पे, उसके बाद क्या किया था चेज करने वालों ने 147 रन बनाए थे 4 विकेट पे। फिर उसके बाद मुकाबला हुआ था, मैं अब तक यहाँ पे जो हम चेपॉक स्टेडियम में अब तक जो 10 मुकाबले खेले गए उस पिच रिपोर्ट के आंकड़े में कितने औसतन स्कोर गया था कि
यहाँ पे बल्लेबाजों के लिए कौन सा टीम पहले मैच जीता है, कौन सा सेकंड मैच जीती है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हुआ था 100 पहले इनिंग में खेला गया था 167 रन और 8 विकेट पे। फिर उसके बाद क्या किया था सेकंड इनिंग वालों ने, क्या किया था यहाँ पे 140 रन पे 8 विकेट इन्होंने भी गंवाए थे। उसके बाद दोस्तों उसके बाद क्या हुआ था यहाँ पे, फिर से पहले इनिंग वालों ने क्या किया था 139 रन बनाए थे और 10 विकेट पे। और उसके बाद सेकंड इनिंग वालों ने क्या किया था 140 रन पे इन्होंने 5 विकेट गंवाए थे। तो दोस्तों उसके बाद जो अंतिम मुकाबला खेला गया था इससे पहले, भले इस मुकाबले को छोड़ करके उससे पहले का जो मुकाबला खेला गया था CSK और वो RCB के मुकाबले को छोड़ के, जो 2023 का जो मुकाबले खेले थे उसमें क्या किया था, पहले बैटिंग करने वालों ने क्या किया था यहाँ पे 200 रन बनाए थे और 7 विकेट पे। उसके बाद क्या किया था यहाँ पे, और जो यहाँ पे क्या वो स्कोरिंग क्या हुआ था, चेंज हुआ था यहाँ पे, तो 201 रन पे 6 विकेट। यहाँ पे आपने देखा होगा पिछले सीजन यहाँ पे जो सैन वॉटसन थे उन्होंने क्या किया था यहाँ पे शानदार 95 रन बनाए थे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले हम उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फैंटेसी टीम प्रोवाइड कराएंगे। ये जो हमने अभी तक टोटल 10 मुकाबले में हमने क्या किया था, 10 मुकाबले में यहाँ पे बताया था कि पहले बैटिंग करने वाले कितने मुकाबले जीते हैं, सेकंड बैटिंग करने वाले कितने मुकाबले जीते। तो दोस्तों आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि पहले बैटिंग करने वाले सिर्फ मात्र अभी तक में अनुकूल से हिसाब से 1 मैच, उसके बाद 2 मैच, मतलब यहाँ पे क्या है अभी तक सिर्फ 2 मैच जीते हैं। और यहाँ पे क्या है सेकंड बैटिंग करने वाली यहाँ पे 1, 2 और 3 और 4 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाले यहाँ पे जीते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रहेगा हमारे जो आपके फैंटेसी टीम है, यहाँ पे हमारे सबसे पहले रहेगा यहाँ पे विकेट कीपर में। तो यहाँ पे हमारे सबसे पहले रहेगा कि विकेट कीपर में जो हमारे जो फैंटेसी टीम में रहेगी। यहाँ पे दोस्तों क्या है यहाँ पे आज ये मुकाबला क्या है लो स्कोरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर यहाँ पे क्या है अभी तक मैं अभी तक आपको बताता हूँ सिर्फ चेन्नई वालों के आंकड़े। चेन्नई वालों ने अभी यहाँ पे तक कितने 67 मुकाबले खेले जिसमें इन्होंने क्या किया 47 मुकाबले जीते। यहाँ पे क्या है धोनी वालों के प्लेयर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भारी, क्योंकि यहाँ पे धोनी वाकई 2008 से लेकर अब तक धोनी को पता है यहाँ पे पिच किस प्रकार से रंग लाती है, किस प्रकार से वो है, वो काफ़ी इस पिच को उनको काफ़ी अनुभव है। तो यहाँ पे उसके बाद गुजरात टाइटंस यहाँ पे सिर्फ GT वालों ने सिर्फ क्या किया था 1 मुकाबले यहाँ पे खेला था, और उन्होंने क्या किया था 1 मुकाबले में इनको हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे धोनी को यहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आपने देखा होगा पिछला मैच जो CSK वर्सेस RCB में के खेला गया था जिसमें क्या क्या रितु गायकवाड़ मैंने भले कैप्टनशिप के, तो पूरा यहाँ पे दबदबा किसने का है, महेंद्र सिंह धोनी का यहाँ पे पूरा दबदबा था। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे हमारी जो फैंटेसी टीम है रहेगी, अगला रहेगा हमारे यहाँ पे विकेट कीपर। विकेट कीपर में दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे रिद्धिमान शाह। रिद्धिमान शाह ने भी चेन्नई के विरुद्ध खेला था इन्होंने। तो रिद्धिमान शाह क्या है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है रिद्धिमान शाह है क्या है यहाँ पे क्या एक विकेट कीपर है, और यह क्या करते हैं ओपनिंग बैटिंग करने आते हैं, तो यहाँ पे वो काफ़ी ठोस शुरुआत देते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे बल्लेबाजी में, भले यहाँ पे हम बल्लेबाज में रखेंगे यहाँ पे सुमन गिल, क्योंकि सुमन गिल क्या है एक अच्छे खासे काफ़ी उनको IPL में काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, और ये बल्लेबाजी और प्लस में इनके पास थोड़ी जिम्मेवारी भी बढ़ गई है। क्या है ये इनका मतलब कैप्टन बन गए हैं, तो इन पे हल्का फुल्का क्या हो गया जिम्मेवारी बढ़ गई। तो हम दूसरे लेंगे यहाँ पे सुमन गिल को लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम सुमन गिल को लेंगे, और प्लस में हम यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे जो एक न्यूजीलैंड के अच्छे खासे ऑलराउंडर, भले इनको बॉलिंग करने का मौका नहीं मिले, तो यहाँ पे हम लेंगे डैनियल मिचेल, हम यहाँ पे लेंगे डैनियल मिचेल को लेंगे। तो प्लस में हम फिर उसके बाद हम भले साई सूर्यदर्शन को ले सकते हो, क्योंकि साई सूर्यदर्शन ने अच्छा वो किया था। उसके बाद यहाँ पे हम डेविड मिलर को ले सकते हो आप, क्योंकि डेविड मिलर क्या है एक अच्छा किलर मिलर के नाम से जाना जाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे हम भले यहाँ पे क्या है हमारे जो अभी तक जितने प्रेडिक्शन निकाले थे इसमें क्या है लो स्कोरिंग ग्राउंड देखने को
मिल सकता है, क्योंकि क्या है दोस्तों यहाँ पे कभी क्या क्या है तो पीछे भी रंग और दिखाते, अगर ओस पड़ेंगे ओस पड़ जाएगा तो क्या होगा, और उसके जो पहले टॉस जीतेगा वो क्या करेगा, पहले ही गेंदबाजी करने का वो लेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे वो अजिंक्य रहाणे, अजिंक्य रहाणे क्या है यहाँ पे क्या करे, वो वन डाउन पे आ रहे हो, और क्या पिछली बार इन्होंने क्या किया था आरसीबी के विरुद्ध, मतलब क्या किया था इन्होंने जो 27 रन की पारी खेली थी, और यहाँ पे डैनियल मिचेल ने भी क्या किया 27 रन के पारी खेली थी। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे हम उसके बाद लेंगे यहाँ पे हम शिवम दुबे। शिवम दुबे के क्या है पिछली बार एक रिजर्व प्लेयर था, थोड़ा से फैंटेसी टीम में थोड़ा हल्का फुल्का डाउट हो रहा है, क्योंकि ये रिजर्व प्लेयर वाले भी आ चुके हैं, जिसमें हमको थोड़ा सा हल्का फुल्का टीम बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों आप अनुकूल से के हिसाब से बनाइए, आप ऐसा कि जैसे कि 4 प्लेयर विदेशी रहते हैं तो उसमें से ये देखना कि अगर किसी टीम में अगर 3 प्लेयर खेले होंगे, अगर वो पहले बैटिंग करेगा तो उसमें से क्या करना, सिर्फ आप 3 लेना और एक रिजर्व में बॉलर को जोड़ लें। उसके बाद हम करेंगे ऑलराउंडर की बात करेंगे यहाँ पे ऑलराउंडर की बात में, तो दोस्तों हम यहाँ पे ऑलराउंडर में लेंगे, इस पहले हम क्या ओ, ओ, हम यहाँ पे सबसे अच्छा ऑलराउंडर यहाँ पे देंगे हम रविंद्र जडेजा, यहाँ पे हम रहेंगे रविंद्र जडेजा। भले इन्होंने क्या किया चेपक स्टेडियम में, इनको काफ़ी खासा अनुभव है, और इन्होंने क्या किया यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइस्ट विकेट टेका है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया 30 विकेट लिए थे। आप इनको वो कर कैप्टन बना सकते हैं और वाइस कैप्टन बना सकते हो, तो आप अपने अनुकूल से बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे रचिन रविंद्रा, यहाँ पे हम बात करेंगे रचिन रविंद्र। भले रचिन रविंद्र को क्या किया यहाँ पे इनको बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला है, जिससे मतलब क्या है थोड़ा सा हल्का फुल्का इनको वो क्या हो रहा है अनुकूल नहीं हुआ। यहाँ पे हम बात करेंगे उसके बाद रचिन रविंद्र की बात करेंगे हम यहाँ पे, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे राशिद खान, करामत खान। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि गुजरात टाइटन्स और आरसीबी वालों के बीच क्या है यहाँ पे उनके पास बहुत ही अच्छा खासा बॉलर है, यहाँ पे हम बात करेंगे राशिद खान। तो दोस्तों यहाँ पे राशिद खान क्या एक अच्छा खासा स्पिनर है, और इनका चेन्नई के विरुद्ध थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब ये थोड़ा चेन्नई के विरुद्ध ये खासा प्रदर्शन अच्छा करता है। उसके बाद हम करेंगे राहुल तेवटे, आपने देखा होगा राहुल तेवटे के एक फिनिशर के रूप में जाना जाते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे फिर यहाँ पे हम राशिद खान और रचिन रविंद्र और रविंद्र जडेजा, अब भले इन मोइन अली को मौका नहीं मिले हैं और मिचेल सैंडर को मौका नहीं मिले हैं, तो हम ऐसा करेंगे यहाँ पे हम फिर लेंगे यहाँ पे बॉलर को। यहाँ पे आपने देखा होगा बॉलर में मुस्तफिजुर रहमान पिछले बार जो आरसीबी और इनका मुकाबला खेले थे सीएसके में, मुस्तफिजुर रहमान ने क्या किया था, इन्होंने 4 विकेट लिए थे। भले उन्होंने पहले मैंने एक न्यूज़ में सुना था कि जो श्रीलंका वर्सेज बांग्लादेश के बीच T20 मैच खेला गया था, उसमें तो उन्होंने क्या बोला था कि उनको थोड़ा IPL एक दो मैच खेलना ना मुश्किल, तो उसके बाद ये फिट हो गए थे। इन्होंने क्या किया थे मुस्तफिजुर रहीम ने क्या किया था क्या किया था इन्होंने 4 विकेट लिए थे। उसके बाद हम यहाँ पे से गुजरात के टाइटन्स में यहाँ पे दीपक मतलब CSK से हम दीपक शहर को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो उनका अच्छा प्रदर्शन नहीं चल पा रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे हम यहाँ पे सबसे अच्छा यहाँ पे है मोहित शर्मा, मोहित शर्मा ने क्या किया CSK के विरुद्ध, इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम बात करेंगे मोहित शर्मा, मोहित शर्मा ने क्या किया भले इससे पहले रिजर्व प्लेयर में थे, उन्होंने मुंबई के विरुद्ध बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और 2 विकेट लिए थे। और यहाँ पे हम बात करेंगे स्पेंसन जॉनसन के बारे में, जॉनसन के बारे में हम बात करेंगे, इन्होंने क्या किया था अभी एक जस्ट एक न्यूज़ देखा था, इन्होंने क्या किया था कि मुझे सबसे अच्छा कोच कौन सा, आशीष नेहरा, आशीष नेहरा ने क्या कहा है कि तुम क्या कर सकते हो मैच जिता सकते हो। तो दोस्तों हम यहाँ पे उसके बाद ये हो गया, उसके बाद हम यहाँ पे से ले लेंगे यहाँ पे से हम ले लेंगे उसके बाद, और यहाँ पे हम वो लेंगे अंतिम में क्या लेंगे यहाँ पे हम दीपक चहर को लेंगे। दोस्तों मेरे ही हिसाब से आप ऐसे कर सकते हो, आज कैप्टन राजस्थान को बना सकते हो, और वाइस कैप्टन मेरे हिसाब से यहाँ पे आप रचिन रविंद्र या जडेजा को बना सकते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और दोस्तों हमने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।